छात्र संघ चुनाव को लेकर मंडल के मुख्यालय पौड़ी में सरगर्मियां तेज हो गई है। जहां एनएसयूआई ने अर्जुन गोदियाल को अध्यक्ष पद का दावेदार बनाया है, तो वहीं एबीवीपी के साथ आर्यन ग्रुप भी चुनाव के मैदान में है, जिसके कारण छात्र संघ का चुनाव इस वर्ष से त्रिकोणीय हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी ऋतिक असवाल ने जुलूस के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए कहा कि इस वर्ष पौड़ी के छात्र परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी को अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। वहीं एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के दावेदार ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष से भी छात्र एनएसयूआई के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय दिलाएंगे और छात्र हित की लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। पौड़ी से मुकेश भचेती की रिपोर्ट। भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। पहले तो बच्चों के आवागमन के लिए बस की समस्या सबसे मुख्य कारण रही है, जिसके लिए हम 2016 से संघर्षरत है, पर क्या बोलते हैं, छात्र संघ में ना होने के कारण हम उस समस्या को अभी सुलझा नहीं पाए। पर हमारा मुख्य प्रयास ये रहेगा कि हम सबसे पहले बस की सुविधा बच्चों को मुहैया करवाएं, और दूसरी जो हमारी वो रहेगी स्वास्थ्य केंद्र और एम्बुलेंस की सुविधा। हमें कई बार देखा गया कि जब हम कैंपस के अंदर परिसर के अंदर किसी बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है, हम एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो कम से कम आधे से एक घंटा एम्बुलेंस आने में लग जाता है, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य और जान माल का खतरा होने का आशंका बनी रहती है। इसलिए हमारी दूसरी मांग ये रहेगी कि हम कैंपस के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं और एम्बुलेंस सुचारू रूप से सुविधा कराएंगे। जी जी बिल्कुल, ये बात सही है कि एनएसयूआई यहाँ पे लगातार 6-7 सालों से जीतती भी आ रही है, लेकिन इससे कोई वो नहीं होता है किसी एक आदमी के हमारी पार्टी से बाहर जाने से। ऐसे नहीं हो सकता है कि पार्टी यहाँ पे ढीली पड़ गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं इतने समर्थक हैं, ये आधा से ज़्यादा पूरे कॉलेज से हैं। आप देखेंगे कि पूरे के पूरे कॉलेज से हैं, बाहर से नॉन वोटर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं आर्यन में जहाँ तक बात करी जाए तो वो आधा से ज़्यादा पूरे बाहर के हैं, और ये हम इससे कोई वो नहीं करते हैं कि कोई निर्दलीय कर रहा है, चाहे कोई कहीं से भी करे, लेकिन कैंपस में एनएसयूआई रही है और एनएसयूआई ही रहेगी।